दोस्तों, सर्दी के सीजन में हम में से कई लोग कफ और जुकाम से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में इससे छुटकारा पाने के लिए अक्सर लोग रमिया ब्रांडी का सेवन करने की सलाह देते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग इसका सेवन करते हैं वे इसके फायदे गिनाने से भी थकते नहीं। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता, आखिर रम या ब्रांडी हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। दरअसल दोस्तों, ऐसी धारणा है कि रम की तासीर गर्म होती है, इसको पीने से कफ सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत मिलती है। लेकिन आखिर सच क्या है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, रम गन्ने के बाय प्रोडक्ट से बनाया जाता है। यह एक तरह का डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक है। ब्रांडी भी एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक है, जिसे फ्रूट जूस या डिस्टिल्ड वाइन से बनाया जाता है। सर्दी के मौसम में शराब पीने के शौकीन लोग ब्रांडी व रम पर शिफ्ट हो जाते हैं। उनका तर्क यह रहता है कि ये दोनों ड्रिंक्स गर्म होते हैं और नियमित रूप से लेने से आपकी बॉडी में गर्माहट आ जाती है। ऐसे भी दावे किए जाते हैं कि रम या ब्रांडी पीने से जोड़ों में दर्द यानी कि अर्थराइटिस में भी राहत मिलती है। यह भी कहा जाता है कि इन ड्रिंक्स को लेने से बोन मिनरल डेंसिटी बेहतर होती है। और तो और दोस्तों, रम और ब्रांडी को लेकर कथित तौर पर किए गए तमाम रिसर्च में भी ये दावे किए जाते हैं कि इससे हार्ट की सेहत ठीक रहती है। इसके सेवन से सर्दी में धमनियों में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और आर्टरी में ब्लॉकेज की संभावना कम हो जाती है। इससे सर्दी में हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि सर्दी में ब्रांडी या रम पीने से आपकी बॉडी के अंदर गर्माहट आ जाती है। यहाँ तक कि दावे किए जाते हैं कि बच्चों को शहद में ब्रांडी मिलाकर दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी में गर्माहट आ जाए। एक दावा यह भी है कि सर्दी में सांस की कई दिक्कतों का इलाज ब्रांडी या रम है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। कहा जाता है कि अल्कोहल से हमारे नाक में जमे चिपचिपे पदार्थ साफ हो जाते हैं और इसके साथ ही बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दावे दावे होते हैं, साइंस नहीं। रम और ब्रांडी को लेकर ये जितने भी दावे हैं, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इन्हीं दावों को समझने के लिए आज हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, मेडिकल में कोई भी डॉक्टर यह सलाह नहीं दे सकता कि आप रम या ब्रांडी लीजिए, कंजेशन वाले पेशेंट को तो बिल्कुल भी नहीं। कंजेशन का मतलब होता है कि आपके सीने में कफ का जकड़न हो जाए और खांसी सर्दी से आप परेशान हो। इसमें डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे पेशेंट की इम्यूनिटी वैसे भी कम होती है। रम या ब्रांडी लेने से इम्यूनिटी और कमजोर होती है, इनके लिए तो यह नुकसानदायक होगा ही होगा। उनका कहना है कि अल्कोहल लेने से एक तरह की गर्मी तो मिलती है, लेकिन यह गर्मी बहुत कम समय के लिए होती है, बाद में यह गर्मी भी नुकसान ही करती है। इसलिए कोई भी डॉक्टर मेडिकली किसी को भी किसी तरह से अल्कोहल लेने की सलाह नहीं दे सकता। यह पूरी तरह से मिथ है। पीने वालों को किसी न किसी तरह का बहाना चाहिए, यह भी एक बहाना है। सच्चाई से इसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी को कफ हो तो उसे बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि मरीज इसलिए अल्कोहल लेते हैं ताकि उनको बेहतर फीलिंग आए, लेकिन सही मायने में ऐसा कुछ नहीं होता। उनको लगता है कि ड्रिंक अच्छा है यानी आराम पहुंचाने वाला है, गर्म है, लेकिन यह नुकसान ही करता है। अब दोस्तों, एक सवाल आपके मन में ये आया होगा कि हेल्दी पर्सन अगर इसको लेगा तो क्या उसको कोल्ड कफ नहीं होगा। दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल गलत। यह एक हेल्दी पर्सन एक सीमित मात्रा में अल्कोहल ले सकता है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई अल्कोहल लेता रहे तो उसे कोल्ड या कफ नहीं होगा। इस चीज को हमें बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए, यह बिल्कुल ही गलत है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि अल्कोहल किसी भी बॉडी पार्ट्स के लिए ठीक नहीं है, इससे इम्यूनिटी कमजोर होती है। अल्कोहल चेस्ट या बोन के लिए अच्छा होता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। सच्चाई यह है कि अल्कोहल एक रिस्क फैक्टर है, इससे ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इससे हड्डियां बेहद कमजोर हो जाती हैं और वह आसानी से टूट सकती हैं। दोस्तों, जो शराबी होते हैं उनमें लीवर सिरोसिस की बीमारी होती है और ऐसे लोगों में अल्कोहल की वजह से बोन्स और मांसपेशियां दोनों कमजोर पड़ जाती हैं। अल्कोहल बहुत ही घातक है। दोस्तों, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।